ओम श्री परमात्मे नमः। मैं शिवानंद तिवारी आज अपने इस 30 अप्रैल 2022 के वीडियो में चर्चा करूंगा सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म और आज जो ये पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, इसके संबंध में। इस समय मैं यहीं पर टहल रहा हूं और देखिए ये क्या सूर्य अस्त का समय है। सूर्य हो सकता है आपको दिख सकता ना भी दिख रहा हो, लेकिन सूर्यास्त का समय है, सूर्य अस्त का टाइम है ये। और पावन सरयू माँ का ये तट है श्री अयोध्या धाम से, तो पावन नगरी है। हाँ, तो अब चर्चा करते हैं कि जैसे कि जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो ये भारत में दृश्य नहीं है, क्योंकि रात में 12 बज के कुछ मिनट से और फिर 4 बज के कुछ मिनट तक चलेगा, मतलब 30 अप्रैल को 12 बज के करीब शुरू होगा और 1 मई को 4 बजे के लगभग तक चलेगा। तो क्योंकि इस समय भारत में रात चल रही होगी तो यहाँ पर वो सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए कोई इसके नियम जो किए जाते हैं वो नियम भी करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हुई सूर्य ग्रहण से संबंधित बात। और ये शनिवार का दिन है और अभी जैसे कि 29 अप्रैल को ही शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, उसके बाद ये सूर्य ग्रहण और इनका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्योंकि अब देखिए ये जैसे वो टाइम चल रहा है, क्या नाम, जैसे विदेशों में है ये, तो इसलिए यहाँ पर नहीं है, तो इसका ये नहीं इफेक्ट तो विदेशों के यहाँ पर तक भी आ सकते हैं। और मानव जीवन मतलब संपूर्ण पृथ्वी ही जब मानव की है तो उसमें पूरी पृथ्वी पे जो कुछ भी होता है उसका मानव जीवन पर असर पड़ता ही है, इसको उसी में देखना चाहिए। तो बाकी हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि जो ये सोलर स्टॉर्म के संबंध में, तो जैसा कि न्यूज आ रही है कि सोलर स्टॉर्म मतलब सोलर मतलब सूर्य में हलचल हो रही है वहाँ पर, और वहाँ पर उस हलचल से मतलब ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा जो है जब यहाँ पर आती है तो जैसे उसकी वजह से पृथ्वी पर भी बड़े बड़े तूफान आ सकते हैं, जो वो उनका उसकी जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा जब कुछ समय तक रह जाती है तो उसके जो कण होते हैं वो कण ही जो है वो तूफान का रूप ले लेते हैं, तो उसकी वजह से इस धरती पर भी बड़े बड़े तूफान आ सकते हैं। ये 2019 से मतलब 11 साल में लगभग ऐसा होता है और ये 2019 में शुरू हो चुका है, 2019 से, और ये बताया जा रहा है अपने पीक लेवल पर मतलब अपने वर्ष लेवल पर ये पहुंचेगा करीब 2025 में। तो जैसा कि हम देखते हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार भी ये टाइम, भविष्य मालिका के अनुसार भी जो सूर्य हैं वो सूर्य जो कि मतलब हमको प्राण देने वाले हैं वो सूर्य ही प्राण लेने वाले बन जाएंगे, ये भविष्य मालिका भी यही बताती है। तो ये हुई भविष्य मालिका से संबंधित बात। और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी वजह से सैटेलाइट्स ठप हो सकते हैं, नेटवर्क ठप हो सकते हैं, ये जो कितने ही एप्लायंसेस जो चल रहे हैं लाइट के सारे, इसके सारे ठप हो सकते हैं और मानव जीवन एक तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है ये सोलर स्टॉर्म आने से। और जैसा कि अभी कुछ समय पहले भी न्यूज़ आई थी कि इलोन मस्क जो कि जिसके ऐसी न्यूज़ आई कि 40 सैटेलाइट्स जो हैं वो इसी सोलर स्टॉर्म वगैरह की वजह से वो तबाह हो गए। तो सोलर स्टॉर्म जो है वो मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में कहा था कि अब पाँचों तत्व जो है और अब सोचा वो अपना प्रभाव दिखा ही रहे हैं, और मैं अधिक से अधिक वीडियोस बहुत सारे मतलब मेरे पास हैं कि विदेशों में जगह 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 कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर तूफान आ रहा है, कहीं ओले गिर रहे हैं, तो उनको वीडियोस को मैं ज़्यादा डालता नहीं हूँ। अभी जो मैंने ये वीडियो सुबह डाला था वो भी इसलिए मात्र डाल दिया, जो भूस्खलन से संबंधित है वो भी इसलिए डाल दिया कि हम इन चीज़ों से अवेयर रहें, इनको अलर्ट के तौर पर लेना चाहिए, किसी को डर के वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो फियर है, गिल्ट है, शेम, इसका बिल्कुल निकलना बहुत ही आवश्यक है। जब तक ये हमारे इस चीज़ को हम फील करते रहेंगे तो हम हमारे मतलब हम परमात्मा की तरफ कैसे असेंड करेंगे, उस तरफ हम कैसे जाएंगे।
परमात्मा के और परमात्मा के रास्ते, मतलब परमात्मा की तरफ बाधक सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं, वो है हमारी जो मतलब हम तमाम चीज़ों की इच्छा किया करते हैं, और वो और सबसे बड़ी चीज़ है वो डर, और जो जैसे जो शैतानी ताकतों की है उनका सारा का सारा एजेंडा किस चीज़ पर आधारित है, डर पे है। तो अपने किसी भी तरह का हमारे अंदर डर हो उसको निकाल दें, किसी की तरह जो ये दो भी मतलब जो दो वेरी चीज़ें रहती हैं जैसे पाप पुण्य की भी चीज़ें हैं उसमें भी ना अटके, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकृति से परमात्मा से कनेक्ट रहें और अपने पांचों तत्वों को बैलेंस में रखें, अपने बॉडी को बैलेंस में रखें, और इसको नेचुरल चीज़ें, नेचुरल वाटर हो, नेचुरल फूड हो, नेचुरल चीज़ें जितने ज़्यादा हम लेंगे, प्राकृतिक चीज़ें हम जितने अधिक लेंगे उतना ही हमारा जीवन वो स्वस्थ रहेगा, और हम मतलब स्पिरिचुअली हो चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो हम स्ट्रांग होते जाएंगे। ये तो इस लेवल पे हमको काम करना चाहिए, और अधिक से अधिक हमको प्रेम से संबंधित, और ये प्रेम है और इसके परमात्मा के दिव्य प्रकाश का हमको अनुभव करते रहना चाहिए। अगर परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हैं तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बहुत ही पावन तट है, और ये देखिए ये जैसे कहा भी जाता है कि मानो तो मैं गंगा मानो मैं तो बहता पानी, जो पानी मानना पानी माने और जो माँ मानना हो माँ माने उससे क्या फर्क पड़ता है, और जीवनदायी नहीं है तो जो भी इस मतलब इस प्रकृति में जो भी हमको मतलब मतलब पालन पोषण कर रहे हैं तो वो सब माँ के हाथ में आते हैं, माँ पावन शब्द है, तो इसलिए उस वे में लेंगे तो हमारी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं, हमको प्रकृति से जुड़ने में आसानी हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों पे लगातार हमको अपने काम करना चाहिए, और प्रेम मतलब प्रेम ज़्यादा से अधिक प्रेम, और अधिक से अधिक उस परमात्मा के और सूर्य के मतलब जिसमें मतलब भी मतलब परमात्मा का दिव्य स्वरूप है उसका मतलब अनंत कोट सूर्य प्रकाश के अंदर है, इस वे में उसकी हमें उससे कनेक्ट होना चाहिए। जिस चीज़ पर भी हम ध्यान देंगे जिस पर हमारा फोकस होगा वो बढ़ती ही जाती है, और वो हो सके तो जितना अधिक से अधिक हो सके हमारे उससे हमारे शरीर पर जैसे 5G रेडिएशन की भी बात है तो 5G रेडिएशन हमारे ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके, और कुछ लोगों का जैसे वो रहता है तो वो मतलब वीडियोज़ बनाते हैं, तो मैं बता दूं वीडियोज़ मैं अपने हाथ में कैमरा लिए रहता हूं, सेल्फी कैमरे से ही मैं वीडियो बनाता हूं फिर उन्हीं को अपलोड कर देता हूं, और ज़्यादा ताकि मैं प्रयास ही रहता है ताकि ज़्यादा समय न लगे और किसी की ज़्यादा मतलब किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, उसके अतिरिक्त ज़्यादा अपने आप को उस तरह से दिखाने लगे जिसको इसके लिए कर रहे हैं सर्विस कर रहे हैं, और परमात्मा के लिए मतलब और इस यूनिवर्स को हमको मैसेज देना है वो मैसेज पहुँच ही रहा है इसके अतिरिक्त मुझे क्या चाहिए। और इसी के साथ ये देखिए कितना सुंदर, देखिए मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ आप देख लीजिए कितना सुंदर ये नदी की जल आ रहा है, इसकी आवाज़ कितनी सुंदर आ रही है उसको महसूस करें, जाएं परमात्मा से कनेक्ट रहें, वही हमारे असेंडिंग का मार्ग है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर तट लेयर्स